हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ विद रिशानी। कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। आज है वेडनेसडे और अभी 8:30 हो रहा था। मैं एक घंटा पहले उठी थी, 7:30 बजे उठी थी और रिशानी भी मेरी हमारे साथ ही उठ गई है। तो हमेशा तो हमारे साथ नहीं उठती है, हमेशा वो लेट उठती है, 8 बजे या 8:30 बजे तक सोई रहती है। आज वो जल्दी उठ गई है तो देखो कैसे खेल रही है। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, मेरे झाड़ू वाड़ू सब हो गया, डस्टिंग का काम हो गया है। तो मैं किचन में आ आती हूँ पानी गर्म करने के लिए और दूध गर्म करने के लिए। ये काम मेरा रहता है मॉर्निंग में। तो आज मैं थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करते जा रही हूँ। जो मेरा न्यू सब्सक्राइबर है उनको पता नहीं चलता है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताते जाऊँगी। और मेरा डेली लाइफ रूटीन तो आप लोग देखते ही हो कि डेली का यही काम रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है। और अभी मैं पौधे में पानी दे रही हूँ क्योंकि पौधे में पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे मेरे हस्बैंड देते हैं, लेकिन मैं जब भी फ्री रहती हूँ और याद आता है तो मैं भी दे देती हूँ। और अभी मैं यहाँ बैठकर गर्म पानी पीऊँगी। मुझे 1 घंटा हो गया उठे हुए, लेकिन अभी तक मैं पानी नहीं पी हूँ। और बिस्तर छोड़ने के तुरंत बाद मैं वार्म वाटर लेती हूँ, लेकिन अभी तक मैं नहीं पी थी। तो अभी मैं वहीं बैठ के पी रही हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, बैठूँगी, आराम करूँगी, उसके बाद कोई और काम करूँगी। तो आप लोग पूछ रहे थे कितने टाइम से मुझे कमेंट कर रहे हैं कि रिशानी का मॉर्निंग रूटीन शेयर कीजिए, तो मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। वैसे रिशानी का मेरा कोई ख़ास रूटीन तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो भी रूटीन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज का व्लॉग भी पूरा देखिएगा। मैं अपना मंदिर ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर की हूँ, मैं अपने मंदिर को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ वो शेयर की हूँ आज के व्लॉग में। आप लोग का कमेंट आया हुआ था, इसलिए मैं सोची चलो आज मैं शेयर कर दूँगी। और अभी मैं बेड क्लीन कर रही हूँ, तो बेड क्लीन करने के बाद मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय अभी तक हम लोग पिए नहीं हैं और मॉर्निंग में तो चाय मतलब पीना ही पड़ता है। और मैं सोची थी कि शुगर अवॉइड करूँगी, लेकिन शुगर अवॉइड करना मतलब मुश्किल हो जाता है, बिना मतलब शुगर वाला चाय अच्छा ही लगता है। और अभी मुझे ये सारे कपड़े धोने हैं, तो 2 दिन पहले ही मैं निकाल के रखी थी ये बेडशीट, अभी तक मैं नहीं धोई हूँ। 2 दिन से मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही थी। तो आज मैं सोची धो लेती हूँ। और मैं सोफ़ा का भी बेडशीट निकाल के रख ली हूँ, कुशन कवर ये सब मैं निकाल के लाई हूँ। और भी बहुत सारे कपड़े हैं, तो मैं सोची चलो पहले बेडशीट वगैरह सब मैं भिगो देती हूँ, ये मैं धो लूँगी, उसके बाद मैं जो रेगुलर के कपड़े होते हैं वो मैं धोऊँगी, क्योंकि रेगुलर के कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं तो बहुत जल्दी धुल जाता है, इसमें टाइम लगता है। तो मैं आज मुझे मंदिर भी साफ़ करना है, उसके बाद मुझे फ्रिज भी क्लीन करना है। फ्रिज के ऊपर जितने भी मतलब डब्बे वगैरह रखे हुए हैं, कुछ ऐसे सामान रखा हुआ है जो कि यूज नहीं होता है, तो सब भर गया है, पूरा फ्रिज एकदम अजीब सा दिखता है। तो मैं सोची चलो आज उसको मैं साफ़ कर ही लेती हूँ, तो उसे भी मुझे साफ़ करना है, इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। और अभी हस्बैंड को मार्केट भी जाना है, तो और अभी मेरे पूरे घर में पोछा लग गया है, तो मैं बालकनी में भी लगाती हूँ, तो मेरे तीनों बालकनी में लगाती हूँ। और अभी देख रहे हो ना, रिशानी जब उठ जाती है ना हमारे साथ, तो ऐसे ही परेशान करती है और भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है करने में। मेरे साथ ही घूमती रहती है चारों तरफ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब उसको मतलब संभाल कर ही काम करना पड़ता है, उसको भी देखना पड़ता है। और अभी मैं सारे कपड़े धो ली हूँ और अभी मैं खंगाल के रख देती हूँ, तो अभी मैं तुरंत इसे सूखने के लिए भी डाल दूंगी, क्योंकि मुझे और भी कपड़े धोने हैं। और अभी मैं बर्तन धो रही हूँ, तो रात के ये बर्तन हैं, तो रात में किचन क्लीन तो कर दी थी, लेकिन बर्तन में नहीं धोई थी, इसका सारा जुट्ठा मैं खंगाल खंगाल के रख दी थी। धोने का मन नहीं होता है तो मैं नहीं धोती हूँ, इसी तरह उसके जुट्ठा जो भी लगा रहता है प्लेट वगैरह में, तो सब मैं हटा देती हूँ, खंगाल देती हूँ और रख देती हूँ, सुबह उठ कर मैं धो लेती हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं मार्केट से, वो मार्केट चले गए थे, तो अभी मैं नहाने ही जा रही थी तब तक वो आ गए। अच्छा हुआ कि आ गए, नहीं तो फिर नहाने में चली जाती तो प्रॉब्लम हो जाता। और मैं उनका ही वेट कर रही थी, मैं सोची कि अब तो आ ही जाएंगे, लगभग 1 घंटा हो गया था उनको गए हुए।
और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। जैसे कि आप लोग को पता भी होगा कि मार्केट से वो आते हैं तो मुझे बोलते हैं पोछा लगाओ, तो मैं लगा देती हूँ। जितना दूर से वो चलकर आते हैं उतना दूर तक मैं पोछा लगा देती हूँ। और अभी मैं कपड़े भी सूखने के लिए डालूँगी, तो ये कल का कपड़ा है सूख गया है तो उसे मैं उतार देती हूँ, और अभी वाला जो कपड़ा है उसे मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। और आज मैं यही कुर्ता पहनने वाली हूँ, तो मैं प्रेस कर रही हूँ क्योंकि ये बिना प्रेस के पहनने लायक नहीं है। और जो भी कॉटन का कपड़ा होता है ना, इस टाइप का रियोन कपड़ा, वो बिना प्रेस का पहनने लायक नहीं रहता है। और ये वाला कुर्ता आप देख रहे हो ब्लैक और वाइट वाला, तो ये भी बिना प्रेस का पहनने वाला नहीं है, तो वही मैं प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद मैं नहाऊँगी तो पहन लूँगी। और अभी मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ, लास्ट एक काम बच गया था, मैं सोची चलो कर लेती हूँ, नहाने के बाद नहीं कर पाऊँगी। तो अभी मैं सारे मतलब डब्बे को हटा दी हूँ, जो भी सामान था इसके ऊपर सारे मैं हटा दी हूँ, और सबको मैं पोछ पोछ कर किचन कैबिनेट के अंदर ही रख दूँगी, जो भी ज़रूरत की सामान है। जो ज़रूरत के सामान नहीं है उसे मैं अलग हटा दूँगी। और अभी देखिए सारे मैं साफ़ कर दी हूँ, और ये मिक्सर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ रखूँ, तभी मैं फ्रिज पिक के ऊपर ही रख दी हूँ। और इस बाउल के अंदर ज़रूरत की चीज़ें हैं तो उसे मैं अभी रखी हूँ फ़िलहाल, बाद में मैं हटा दूँगी। और अभी देखिए यहाँ पे मनी प्लांट भी रख दी हूँ, जो मैं दो रखी हुई थी, तो अभी अच्छा लग रहा है। और अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, पूजा कर रही हूँ, तो पूजा करने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट यही है बनाना और मिल्क, क्योंकि कुछ बना नहीं पाए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, भूख भी लग गई थी, तो मैं सोची चलो खा लेती हूँ। और अभी आप लोग देखिए हमारा मंदिर, तो मैं ज़्यादा कुछ ऑर्गेनाइज करके तो नहीं रखी हूँ मैं अपने मंदिर को, और बहुत छोटा मेरा मंदिर है आप देख सकते हो, बस आपने कमेंट किया था इसलिए मैं दिखा रही हूँ। तो कुछ भगवान के फ़ोटो वगैरह है, और यहाँ पे मोमबत्ती का गिरा हुआ है, वही मैं दिखा रही थी। और यहाँ पर मैं प्लेट भी रखती हूँ, जब मैं अगरबत्ती डालती हूँ तो प्लेट रखती हूँ, ताकि उसके जो राख है वो इधर उधर ना फैले। और मेरे मंदिर के अंदर ज़्यादातर इसी टाइप का फ़ोटो है, मतलब पत्थर के जो भगवान की मूर्तियाँ होती है वो बहुत कम है, क्योंकि हमारे मंदिर बहुत छोटा है और ये बहुत पुराना मंदिर है। तो अभी मुझे न्यू मंदिर भी लेना है, मैं बड़ा मंदिर लूँगी, और इसका वैसे भी सनमाइका निकल रहा है, बहुत पुराना है इसलिए। और अभी मंदिर के ऊपर भी आपने फ़ोटो देखा, तो उसके ऊपर भी मैं रख दी हूँ, क्योंकि अंदर तो स्पेस की कमी है इसलिए मैं रख दी हूँ। और अभी अभी मैं पूजा की थी, तो अभी दीप जल रहा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं बहुत सिंपल रखने की कोशिश की हूँ। और यहाँ पे वैष्णो माँ का फ़ोटो है, मेरे मंदिर में ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, बस दो लोटा रखा हुआ है, देख सकते हो भगवान का, इसे हम लोग लोटिया बोलते हैं, और भोग लगाने के लिए छोटा सा कटोरा है, और बस दिया जलाते हैं वही रहता है। और मैं भगवान का आसन भी नहीं लगाई हूँ, और चुन्नी भी नहीं ओढ़ाई हूँ, तो मतलब ये सब चीज़ें मैं नहीं की हूँ। और इसे भी छोटा मंदिर है, बस बहुत सिंपल तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगा, और मैं बहुत जल्द न्यू मंदिर भी लेने वाली हूँ, तो न्यू मंदिर लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और मुझे ख़रीदना नहीं है, बनवाना है, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। तो जैसे ही सारे शॉप ओपन होंगे वैसे ही मैं ऑर्डर दे दूँगी, बन जाएगा। और जब मेरा मंदिर आ जाएगा न्यू, तो मैं उस वक्त पूजा भी कराऊँगी, तो उस वक्त ही मैं अपना मंदिर का जगह भी चेंज करूँगी। आप लोग बार बार बोलते हो किचन में मंदिर क्यों रखे हो, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। चाहे तो मैं उतार कर इसे कहीं और जगह शिफ्ट कर सकती हूँ, लेकिन मेरे घर में कहीं भी कील वगैरह नहीं लगा है, मुझे नीचे रखना पड़ेगा, और मैं नीचे नहीं रख सकती हूँ क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, सारा दिन भगवान का पूजा करने में ही लगी रहेगी वो। सो गाइज, अभी 4 बज गया है, और अभी मैं आप लोग से मिल रही हूँ। और आज मैं लंच भी आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल लंच मतलब बनाई थी मैं, खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी क्या शेयर करूँ मैं, कुछ अच्छा बनाती तो शेयर भी करती। और रात को हम लोग बहुत हेवी खाना खा लिए थे, इसलिए आज हल्का फुल्का खाना मतलब खाए हैं। और कल तो मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं की, 2 दिन से मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, तो थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं है, और आप देख सकते हो मेरी हालत, तो आज थोड़ा ठीक है। कल तो मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मेरे आँख बंद हो जा रहे थे, और कल मैं कितना सारा गलत वर्ड भी बोल दी थी। हाँ,
ओवल के जगह पे ओरल बोली थी मैं जब मैं मतलब समोसा का रेसिपी शेयर कर रही थी, तो ओवल शेप में बेलना चाहिए वो मुझे बोलना चाहिए, तो मैंने बोल दिया था ओरल शेप। ओवल मतलब अंडाकार होता है, तो मुझे बोलना चाहिए अंडाकार आकार में बेलना चाहिए, तो हो जाता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, और मैं तो कितना बार मिस्टेक कर चुकी हूँ। और हाँ, आज मैंने न्यू कुर्ता पहना हुआ है, तो अभी मैं पूरा लुक बताऊंगी कि ये कुर्ता कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत अच्छा है, पर्पल कलर का है ये। और अभी मैं बालकनी में बैठी हुई हूँ ना, तो मैं अभी केक बना रही थी, तो आप लोग के लिए सोची चलो आज कुछ अच्छा करते हैं, मतलब इतना दिन से कुछ भी अच्छा नहीं किए और आज मैं कुछ भी आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ अच्छा कुछ बनाकर, तो मैं सोची चलो आज केक बनाते हैं, तो मैं बिस्किट का केक बना रही हूँ, तो कुछ कुछ तैयारी कर ली हूँ और अभी बाकी है, तो अभी चलते हैं तो करते हैं। मैं सोची चलो आप लोग से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, काफी टाइम से बातें नहीं किए हैं, तो अभी हम किचन में चलते हैं, तो आपको पूरा लुक दिखाते हैं अपना कुर्ता का। और ये कुर्ता है ना, मतलब अभी न्यू ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं मंगा ली थी, लेकिन ये डेली वेयर के लिए नहीं है। आप सोचोगे कि डेली पहन के इसे मतलब काम करूं, तो नहीं है, काम करने के लायक नहीं है। कहीं आप ऑफिस में जा सकते हो पहन के, बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो, क्योंकि इसके स्लीव जो दिए हुए ना बहुत मस्त है, और अभी ये ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं भी मंगा ली, लेकिन मैं तो इसे डेली वेयर के लिए मंगाई थी ऐसे घर में पहनने के लिए, लेकिन शायद मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ काम करते वक्त, तो निकालना पड़ रहा है मुझे बार बार। मैं कितना मतलब सुबह में ही पहनी थी नहाने के बाद, और इसे मैं 2-3 बार निकाल कर फिर टी शर्ट डाली, फिर उसके बाद काम कर रही हूँ, तो ऐसा प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो शायद मैं इसे डेली वेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो घर का ही काम करना रहता है ना, कहीं बाहर जाते तो हाँ पहन के जा सकते हैं। बहुत अच्छा कुर्ता है, मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ पूरा लुक, दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। और अभी मैं केक बनाने जा रही हूँ, तो मेरे पास देख सकते हो कौन सा फ्लेवर का बिस्किट है, बाउंस, चोको, क्रीम। तो अगर आपके पास अच्छा फ्लेवर का बिस्किट होगा तो ज़रूर लेना, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं 4 पैकेट ले रही हूँ, अभी मैं खोल के इसे निकाल लूँगी। वैसे मेरे पास जो सामान है उसी से मैं बना रही हूँ, तो वैसे भी बिस्किट केक बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत इजली बन जाता है, तो मैं सारे बिस्किट को निकाल ली हूँ और अभी मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, इसका पाउडर बना लूँगी। और आज मैं केक तवा पर बनाऊंगी, मैं कढ़ाई में नहीं बनाऊंगी, तो तवा को मैं रख दी हूँ गर्म होने के लिए। और यहाँ देखिए मैं मैदा से कोटिंग भी कर ली हूँ, तो सबसे पहले तो मैं ऑयल लगा दी थी, उसके बाद मैं मैदा से कोटिंग कर दी हूँ। और किसी भी मतलब चौले पेनी वाला भगोना ले सकते हैं, तो मेरे पास यही था तो मैं वही ले ली हूँ। और अभी मैं सारे जो बिस्किट का पाउडर बनाई थी उसे मैं रख ली हूँ एक बाउल में, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध डालने जा रही हूँ, और एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो कहीं गीला हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा सा करके मैं डालूँगी, उसके बाद मिक्स करते जाऊँगी, अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर लम्स ना रहे। और आज मैं केक में इनो डाल के बनाऊंगी, मैं बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाल के नहीं बनाऊंगी, तो आज मैं पहली बार इनो डाल के बना रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। तो अभी मैं बैटर को बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, और इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसी तरह से रखना है। उसके बाद मैं इसमें इनो डाल दी हूँ, और इनो मैं पूरा नहीं डाली हूँ, आधा डाली हूँ, क्योंकि आप बैटर देख सकते हो कितना कम है, तो उसके हिसाब से आधा बहुत ज़्यादा है। तो चाहे तो इसमें मतलब बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। और इनो मैं लेमन फ्लेवर का ली हूँ, कोई और फ्लेवर का नहीं लेना है। और अभी मैं सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर दी हूँ भगोने के अंदर, उसे मैं डैप डैप कर रही हूँ ताकि इसके अंदर एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। और उसके बाद अभी मैं बेक होने के लिए रख देती हूँ, तो तवा मैं 15 मिनट पहले रखी थी गर्म होने के लिए, बहुत अच्छे से हीट हो गया है। और अभी मैं इसे भूल जाऊंगी एकदम 30 मिनट के लिए। तो मेरे केक तो बहुत जल्दी बन गए थे, 20 मिनट में ही बन गए थे, क्योंकि बहुत कम था। और अभी आप देख सकते हो गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। अभी मैं केक बनने के लिए तो यहाँ रख दी हूँ, और लगभग 30 से 40 मिनट तक भूल जाना पड़ेगा। और यहाँ मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ, चाय मेरे बन रहे हैं, क्योंकि कड़क वाली चाय पीना है मुझे। और
और अभी आप कुर्ता का कलर देख सकते हो, बहुत प्यारा लग रहा है। और इस पर जो वर्क दिया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है, रेशम का वर्क दिया हुआ है और बहुत फिनिशिंग के साथ दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि निकल जाएगा, बहुत अच्छे से बनाया हो गया है। और उसके बाद कुर्ता का कलर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा मुझे इसके स्लीव लग रहे हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लग रहा है। मैं जितने भी कुर्ता ली हूँ सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये भी कुर्ता बहुत कम प्राइस का है, 740 रुपीज़ का है, तो आप सोच सकते हो इतना कम रेट में इतना अच्छा कुर्ता मिल गया। और हाँ, मतलब ऑफ़र चल रहा था, अगर ऑफ़र नहीं चलेगा तो फिर शायद इसका रेट बढ़ भी गया होगा। तो आप लोगों ने देख लिया ना कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके स्लीव सबसे अच्छा लग रहा है मुझे, और इसकी फिटिंग देखो कितना मस्त है। और ये जो कपड़ा है ना रियोन कपड़ा है, और रियोन कपड़ा में भी बहुत अच्छा क्वालिटी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक मैं जितना भी कुर्ता मंगाई हूँ ना, सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है। लेकिन डेली वेयर करने के लिए, मतलब काम करने में आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे, इसलिए क्योंकि इसके जो स्लीव है ना बार बार मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ तक है देखो, इसलिए मैं कम्फर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, तो बार बार मुझे निकालना पड़ रहा है। अभी आप देख सकते हो दिशानी कितना खुश हो रही है केक देखकर काटने के लिए। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती है। वैसे केक को मैं अच्छे से डेकोर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जो भी है यार, लेकिन अच्छा है, थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सेलिब्रेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले ये आप लोग केक खाइए, उसके बाद रिशानी खाएगी। रुको रुको, पहले खिलाने तो दो सब लोगों को, जिनके लिए केक बना है उनको तो पहले खाने दो। आप लोग केक खाइए, आप केक खाइए, जो बड़ी फूली केक बहुत टेस्टी बनाया है। बोलो केक बहुत टेस्टी बनाया और बहुत स्पंजी बना हुआ है केक। कैसा है? अच्छा है, उधर बता दो कैसा है। कैसा बना है बताओ। अच्छा बना है, ऐसा अच्छा लगा। अच्छा पापा को खिला दो। हाँ ना, थैंक यू बेटा। सो गाइस, केक बहुत स्पंजी बना हुआ है, आप देख लो। और अच्छा बना हुआ, बस मैं ऐसे ही बनाई हुई थी, आप ही लोग के लिए बनाई हुई थी, मतलब स्पेशली तो खैर आप लोग के लिए ही बनाया है।
तब से केक खाने के लिए बेचैन हुई है, तो मैं बोली कि सबसे पहले मैं केक काट लेती हूँ फिर उसके बाद इसको खिलाती हूँ। घर में जो भी था जितना था उसी से मैं बनाई हूँ, और आज एक भी चॉकलेट मेरे घर में नहीं था, सारा परेशानी खत्म कर दी थी। तो चॉकलेट रहता था थोड़ा सा मैं डेकोरेशन भी कर लेती, तो सारा यहाँ का शॉप ओपन हो जाएगा तो मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी आप लोग के साथ। तो फिलहाल मैं जैसे हुआ वैसे कर दी हूँ, और चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।